बड़े मामले से की बड़ी खबर, आतंकवाद के खिलाफ सिया सूफी सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें से तमाम धर्मों के धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त आतंकवाद के विषय में जानकारी देंगे। इस सिया सूफी सद्भावना सम्मेलन में तमाम शियाओं के बड़े बड़े उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका के वक्तव्य सुनने को मिलेगा आज। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, कुरान करीम की तलावत से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। क्या है सूफी क्या है ये तो बतलाने के लिए मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। यहाँ पे हम आपसी एकता की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, भाईचारे के लिए इकट्ठे हुए हैं। और विश्व में जो आतंकवाद, जो जहनी आतंकवाद जो है, हम उसकी खिलाफत करते हैं और हमें मिलजुल के रहना चाहिए, बस यही संदेश देना चाहता हूँ। और बाकी मेरी नहीं, बिल्कुल आतंकवाद है यहाँ, बिल्कुल जहनी तौर पे आतंकवाद है। अगर आप देखें तो जहनियत हमारी आतंकवादियों से भरी पड़ी है, हमारी जो सोच है और वो स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन इंडिया। वो उनका अपना परिप्रेक्ष्य है कि उनका सीरिया के बारे में उनकी क्या धारणा है और सीरिया को हिंदुस्तान से कैसे कंपेरिजन करते हैं, वो बड़े हैं, विद्वान हैं, वो उनकी अपनी सोच है। तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान है और यहाँ पे सिर्फ अमन और शांति की ज़रूरत है और हम अमन शांति पसंद लोग हैं और शांति किसी कीमत पे मिले। अगर शांति लाने के लिए खून बहाने की भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसमें पहला ड्रॉप अपना डालना चाहूँगा। सबसे बड़ा आतंकवाद, आतंकवाद के ऊपर प्रश्न करना ही सबसे बड़ा आतंकवाद है। आप जैसा कि आपने देखा, मंच से स्वामी सारंग ने अपने आतंकवाद पर अपने विचार रखे। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मंच से मौलाना कलवे जवाद का वक्तव्य चल रहा है, क्या कुछ कहना है उनका, वो अपने वक्तव्य लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सिया सूफी सम्मेलन में लखनऊ के तमाम दरगाहों से तमाम गद्दा नशीन यहाँ पर जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर कैमरामैन शाहरुख खान के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़, लखनऊ।